5 नवंबर 1556 पानीपत के मैदानों में लड़ा गया युद्ध का परिणाम निर्णायक रहा। एक बार फिर से पानीपत की इस युद्ध भूमि ने मुगलों का साथ दिया और मुगलों की हार को जीत में बदल दिया। वहीं दिल्ली सम्राट हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य जीता हुआ युद्ध दुर्भाग्यपूर्ण हार गए। सिर्फ एक अनजाने तीर ने पूरे युद्ध का समीकरण ही बदल कर रख दिया, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि उस एक तीर ने पूरे भारत का समीकरण बदल के रख दिया और सम्राट हेमू का दिल्ली पर हिंदू राज स्थापित करने का सपना सपना ही बनकर रह गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक करें और यदि आप इतिहास, फैक्ट्स और रहस्य से भरा हुआ वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। हेमू मुख्य रूप से हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले थे। हेमू को मध्यकालीन भारत में विरोधी मुगल शासकों के बीच कुछ समय के लिए ही एक हिंदू राज स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कुछ 22 युद्धों में जीत का परचम लहराया, इसी कारण उन्हें कुछ इतिहासकारों ने मध्य युग का समुद्रगुप्त कहा। मशहूर इतिहासकार आरपी त्रिपाठी अपनी किताब राइज एंड द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में लिखते हैं, अकबर के हाथों हेमू की हार दुर्भाग्यपूर्ण थी। अगर भाग्य ने हेमू का साथ दिया होता तो उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ता। और एक इतिहासकार आरसी मजूमदार भी अपनी किताब में लिखते हैं कि पानीपत की लड़ाई में एक दुर्घटना की वजह से हेमू की जीत हार में बदल गई, वरना उन्होंने दिल्ली में मुगलों की जगह हिंदू राजवंश की नींव रख दी होती। हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य कौन थे? हेमू का जन्म 1501 में हरियाणा के रेवाड़ी के गांव कुतुबपुर में हुआ था। इनका पूरा परिवार खाने पीने की वस्तुओं का व्यापार करता था। हेमू खुद रेवाड़ी की गलियों में नमक बेचा करते थे। एक दिन संयोगवश शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी की नज़र इस नौजवान पर पड़ी। इस्लाम शाह सूरी ने इस युवक के अंदर एक कुशल सैनिक की छवि को देखी। जल्द ही हेमू को राज दरबार में एक उच्च पद दे दिया गया। कुछ समय बाद सुल्तान ने उन्हें डाक विभाग का प्रमुख बना दिया। इस्लाम शाह सूरी ने हेमू की योग्यता को देखकर उसे सेना का कमांडर बना दिया। आदिल शाह के शासनकाल में हेमू को वकीले आला यानी प्रधानमंत्री का पद मिल गया। जब आदिल शाह को सूचना मिली कि हुमायूं ने वापसी कर फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया है तो आदिल शाह ने हेमू को आर्डर जारी किया कि मुगलों को भारत से बाहर जाने के लिए विवश कर दो। हेमू ने सुल्तान का आदेश पाकर तुरंत एक सेना लेकर दिल्ली पर हमला बोल दिया। 7 अक्टूबर 1556 को हेमू ने मुगलों को हराकर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया और विजेता के रूप में दिल्ली में प्रवेश किया तथा खुद को सम्राट घोषित कर दिल्ली में हिंदू राज की स्थापना की। 13 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में हार की सूचना जब अकबर तक पहुंची, तो उस समय अकबर पंजाब के जालंधर में अपने संरक्षक बैरम खान के साथ थे। अकबर की उम्र अभी मात्र 14 साल की थी, इसलिए उनकी सोच भी बचकाना थी। वे दिल्ली से ज़्यादा महत्व काबुल को देते थे, इसलिए अकबर दिल्ली को जीतने के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन बैरम खान ने उन्हें दिल्ली का महत्व समझाते हुए दिल्ली पर हमला करने के लिए राजी कर लिया। इतिहासकार पार्वती शर्मा अपने किताब अकबर ऑफ हिंदुस्तान में लिखती हैं, अकबर के सामने विकल्प साफ थे, या तो वे दिल्ली को जीतकर हिंदुस्तान के बादशाह बने या फिर काबुल जाकर आराम से रहकर सिर्फ एक क्षेत्रीय रियासत काबुल के शासक बने रहें। यहीं पर मुगलों को भारत में मजबूती से स्थापित करने की मुख्य भूमिका बैरम खान की ओर इशारा करती है। अगर ये शख्स नहीं होता तो शायद मुगल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर सैकड़ों साल शासन नहीं कर पाते। खैर, बैरम खान ने अकबर की आज्ञा लेकर सम्राट हेमू पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना लेकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। हेमू को जब ये सूचना मिली तो उन्होंने पहले ही अपनी तोपें
पानीपत के युद्ध मैदान में तैनात कर दी और अपने सैनिकों को युद्ध के लिए सावधान कर दिया। हेमू की सेना में 30,000 घुड़सवार और 500 से ज़्यादा हाथी थे। इसके अलावा हजारों की पैदल सेना तथा कुशल तीरंदाज थे। उधर बैरम खान की सेना में उज्बेग अली कुली सहबानी के नेतृत्व में हजारों युद्ध में माहिर सैनिकों को रवाना किया गया। हेमू के सैनिकों में राजपूत और अफगानी थे जो किसी भी लड़ाई को जीत में बदल देने का दम रखते थे। आपको बता दें कि बैरम खान ने अकबर को इस युद्ध से दूर एक सुरक्षित स्थान पर रखा था। पानीपत के युद्ध मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने अपने अपने राजाओं की जीत के लिए उतर चुकी थीं। एक भीषण युद्ध शुरू हो चुका था। हेमू लगातार चिल्लाकर अपने साथियों का जोश बढ़ा रहे थे। वे अपने हाथी हवाई पर सवार थे। हेमू की सेना ने मुगलों की सेना को नाकों चने चबुआ दिए। मुगलिया फौज में मानो कोहराम मच गया। सब लोग इधर उधर भागने लगे। मुगल फौज बेबस हो चुकी थी। तभी अली कुली सेवानी के 10,000 तीरंदाज तीरों की बरसात करते हुए मैदान में दाखिल हुए। यहीं से एक तीर सीधे जाकर हेमू की आंख में जा धंसा। हेमू हाथी के ऊपर ही गिर गए। तभी अली कुली सेवानी ने हेमू को चारों तरफ से घेर लिया। इस समय दर्द के मारे वे बेहोश हो गए थे। मुगलों ने जीत की घोषणा कर दी। युद्ध समाप्त हो गया। हेमू को अकबर के पास ले जाया गया। फिर बैरम खान ने तलवार से हेमू का सिर काट दिया। सम्राट हेमू के इस हार के बाद दिल्ली पर मुगलिया हुकूमत स्थापित हो गई। लेकिन अगर भाग्य ने अकबर का साथ न दिया होता तो पानीपत का द्वितीय युद्ध सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य जीत चुके थे और आज हमारे भारत का इतिहास कुछ और ही होता। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।